अरे भैया तुम्हें क्या, हम तो दिन रात यूं ही
नाच गाने में मस्त रहते हो, मद्यपान में मत मत वाले रहते हो। अरे तुम्हें क्या पता शत्रु तुम्हारे सर पर आ खड़ा है। शत्रु कौन? शत्रु किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में चुभुत फेरने वाला कौन है? नहीं है काल काल की सत्ते करे जब पाल भी बाका, बड़ा है सामने मेरे जगत का आज बल भी का। मेरे दुश्मन को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर प्यार रखने का सहारा मिल नहीं सकता। नहीं, मैं तो तभी समझूंगी जब तुम शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। क्या तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते? क्या तुमने पृथ्वी और आकाश के बीच में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुने? परंतु प्रत्यक्ष को प्रणिमान की क्या आवश्यकता है? तो स्पष्ट क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राम एक सुंदर नारी सुकुमारी भी लाए हैं। बाके है और लड़ाके हैं। घोड़ा शमशेर उन्हीं की हो जो पंचवटी में रहते हैं। जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं अचानक उस ओर निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। तभी उस छोटे तपस्वी ने मुझसे छल करना चाहा। मैंने तेरा नाम लिया, हर जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तेरा उपहास किया। फिर मेरे ये कान कतर डाले, मेरे ये नाक काट डाले। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब मैं ऊंची नाक ही तो नाक धरा लो तुम। ये समाचार, ये दुराचार खरदूषण से नहीं कहा। अरे उनका तो अखाड़ा वही था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया, कहा था। वो सेना लेकर गए वहाँ, बड़ा घमासान युद्ध हुआ, पर उस बड़े तपस्वी ने सबका काम तमाम किया। काटे ना कान तेरे, जिंदा रहे जमाने में कटे पीस बुझाए मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ जाओ बहन सुकुंठा, तुम नहरों में राम करो, तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा, अवश्य लिया जाएगा, अवश्य लिया जाएगा। मुझे भी तभी संतोष आएगा। ओ यही भजन न तामसिद मन ब्रह्म वचन मात्र दृढ़े जो नर रूप भूप सुत को हरि हौ नारी जीति दन दो। जब एक अकेली ताकत ने खरदूषण का वध किया,
तो निश्चय ही ये स्पष्ट हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। यदि सचमुच में अवतारी है वो, तो उनसे बैर भाव रखूंगा मैं और अपना और अपने कुटुंब का उद्धार दिलाऊंगा मैं। परंतु कैसे, इसके लिए तो कोई षड्यंत्र रचना होगा। उनसे बैर भाव कैसे बढ़ाऊं? राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, उसका हरण करके मैं लंका नगरी में लाऊंगा और तब राम सन लंका नगरी में आएंगे और मेरा और मेरे कुटुंब का उद्धार होगा। परंतु ये होगा कैसे? इसके लिए तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना होगा। षड्यंत्र रचने में महामारी से बढ़कर कोई नहीं। तो अब मैं महामारी के पास जाता हूँ। Oh